उनके साथ बातें करते करते हमें पता नहीं चलता वो कितनी सीरियसली काम कर रही हैं। पहले तो आके वे कोरा कागज़ कार्डबोर्ड जैसा निकालेंगी, उनके पास इतनी छोटी सी बैग है उसमें से निकालेंगी। और एक बार लक्ष्मीकांत जी थे उनकी रिकॉर्डिंग में, तो लक्ष्मीकांत जी उनको बता रहे थे, क्योंकि अब वो ज़माना पार हो चुका था कि जब पहले दो दो तीन तीन रिहर्सल्स म्यूज़िक रूम में होते थे। तो लक्ष्मीकांत जी बताएं, अब लक्ष्मीकांत जी तो इतना गाते नहीं थे, ड ड ड ड ड इसमें हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आता, तो उसके साथ साथ शब्द लिखे जाते, वो अपने ही हाथों से शब्द लिखेंगी और कुछ छोटे छोटे मार्क्स करती। ये मैंने दो तीन बार पूछा था कि ये क्या मार्क है, किशोरदा के भी लिखने पे एक मार्क ऐसा होता था, हम भी करते हैं बोलने में। मैंने कहा ये क्या है, कुछ है नहीं मतलब यहाँ तो, चूंकि मैं वो गाना जानता था, मैंने कहा ये कुछ खास श्रुति है कि मतलब जहाँ बहुत कम पहुँच सकते हैं। तो कहा बस श्रुति है ना, उससे एक कदम आगे है। बहुत सही समझाना हुआ कि वहाँ उसको छू के चले आओ, सुरों के बीच भी श्रुतियाँ होती हैं, उसको छू के चले आओ, मगर ये मत दिखाओ कि देखो मैंने इसे छुआ। सुना आपने, ये कुछ गायकों में होता है कि देखो मैंने क्या किया, एक्रोबैटिक्स जिसे कहेंगे, वो उसको इतनी आसानी से पार करती हैं और उसमें बड़ा मज़ा लेती हैं, उसमें बड़ा आनंद उन्हें आता है ये करने में। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना, जो खुद मज़ा लेना और वो मज़ा संप्रेषित होता है, वो मज़ा ट्रांसमिट होता है लोगों तक, तो हमें बार बार सुनना अच्छा लगता है।